बारिश हुई तो बारिश का पानी मैंने इकट्ठा भी करा था और वो बारिश का पानी इकट्ठा करके साफ कतरा मैंने करा था स्टील के बर्तन में इकट्ठा उसको और इकट्ठा करके उसको पानी को मैंने आंखों के लिए यूज करा था। उस दिन बारिश में आज आके करके अपनी आंखों से भी धोई थी और उसके बाद मैंने पानी इकट्ठा करके एक जो जैसे आई ड्रॉप्स होता है उसमें डाल लिया था मैंने। उस पानी को मैं एक हफ्ता से यूज कर रहा हूँ। आंखें मैं मतलब आंखें चश्मा डालने के लिए काफी लंबा प्रयास कर रहा था लेकिन इस एक हफ्ते में मेरा मतलब 80% का जो फायदा हो गया। तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि आप आजकल बारिश आने वाली है जैसे भी अभी आ जाए तो उस पानी को इकट्ठा करके साफ बर्तन में रख के अच्छे मतलब 10-15 कपड़े लगा के उसमें फिल्टर कर रहा मतलब डस्ट ना रहे उसमें पानी में। तो उस पानी को दिन में 3-4 बार जितनी बार आप डाल सकते हो डाल लो, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने एक दिन पहले भी मेरे को उस पानी से मेरी आंखें लाल भी हो गई थी, मैंने गुरुजी से बात भी करी थी, शाम को मेरी आंखें उस पानी से लाल हो गई थी। मतलब या तो क्या पता नहीं पानी में ज्यादा कुछ होगा क्या होगा। तो अगले दिन से वो ठीक है और उस दिन से मतलब आई में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया। तो आप सबका चश्मा एक हफ्ते में अगले हमें उतर जाएगा अगर आप ये कर लोगे। बाकी जो गुरु जी ऐसे बताते हैं एक्सरसाइज है वो सब करनी है आपने, सूर्य का जो है सूर्य को सीधा देखना है, पत्तों में से देखना है, वो सब करोगे और ये करोगे तो एक हफ्ते में आप सब रिजल्ट देख सकते हो। मैं आपका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, कोई मतलब इसमें कोई वैसी बात नहीं है मेरे पास में। अगर आपका हो तो आज तो लाया नहीं मैं, मेरा 10 से 15 दिन पहले चेक कराया था, मेरा दूर का भी और पास का दोनों खराब थी आंखें। चश्मा बना हुआ है, अगर अगले हफ्ते में दिखा दूंगा, कार्ड भी बना हुआ है तो बिल्कुल खत्म हो गया। नजदीक वाला मैं बहुत बारीक बारीक देख सकता हूँ अभी, तो आप भी कर सकते हो। ये मुझे कह रहे थे कि जी मेरा ना बाकी तो ठीक हो गया, चश्मा नहीं उतर रहा, इसके लिए कुछ बताओ। चश्मे के लिए उन्होंने काफी मेहनत करी, नहीं उतारा। मगर आप देखिए परमात्मा हमारे चश्मा उतारने का सारी चीजें कैसे ऊपर से अमृत बरसाता है और हम मूर्ख उसको लेते ही नहीं है बल्कि छुपके रहते हैं अंदर, कहीं बरसात के बूंद ना पड़ जाए उल्टी हमारे ऊपर, पानी मेरा भैया गर्म सर्द हो जाएगा, हमारी बुद्धि ये हो चुकी। उस दिन जहाँ सारे लोग बैठे थे ना वहां बोला था ना ये ऊपर आंखों में डालो, आपका कैटरेक्ट कितना भी है पुराना ग्लूकोम में आया चाहे जिनको बिल्कुल नहीं आया, आप ऐसे आंखें ऊपर सीधी किरने में वो डालो बूंदे पानी की आंखों के अंदर और देखो आपकी आंखें पर चश्मा कैसे उतर जाता। फिर उस पानी को इकट्ठा कर लो शुद्ध पानी को, जैसे मेरा ये किशन जी ने किया, उसको डॉपर में डाल के दो दो बूंदे डालो। ये अमृत ऊपर से परमात्मा का होता है। अगर आप सोचते भगवान ऊपर रहता तो ऊपर से भी अमृत बरसाता, और कौन है भगवान ही है ऊपर और तो कोई है नहीं, फिर वो अमृत ऊपर से बरसाता है तो फिर उसका अमृत क्यों नहीं लेते। मरे से मरे पौधा भी हो ना बरसात के पानी में हरा भरा हो जाता है, इसीलिए आप बरसात के पानी को शरीर पे लगाएंगे ना शरीर के मरे से मरे अंग मुरझाए से मुरझाए अंग भी जो है ना वो भी हरे भरे हो जाए शरीर के अंदर के अंग जो। मगर हमारी मानसिकता इतनी नेगेटिव है, इतनी गलत है, हर तरफ इतनी गलत है कि कुदरत की चीजों को तो हम सोचते हैं हम मर जाएंगे तो अगर बाहर रहे। उस दिन भी लोग डर रहे थे बाहर जाते हुए कई लोग, फिर बरसात में बूंदे आगे भागो भागो फटाफट, और जबकि हमने देखा कम से कम 40-50 कबूतर वहां ममटी पे आकर के बैठ गए जब बरसात हो रही थी, और बरसात में पूरी बैठे रहे वहां पर, पूरी बरसात में जानवर बैठे रहे, पूरी तरह वहां का आनंद लिया बरसात का उन्होंने, और जो एकदम हष्ट स्वस्थ था और हम लोग मरे पड़े हैं। वो इन चीजों का ज्ञान है और हम लोग ने पोथियां इतनी इतनी पढ़ करके और हमारे दिमाग के अंदर में एक काम की एक बात नहीं है, बस उन्हीं का घमंड सिर के ऊपर हमने भर रखा है। हम बहुत पढ़े लिखे वास्तव में बीमारियों से भरे पड़े हैं, हम तो मूर्ख हैं एकदम। जो चीज अपने आप ईश्वर की ओर से मिल रही है, आंखों का इलाज अपने आप, सारी उम्र आप इलाज करवाते रहते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, 5-5 हजार का 10-10 हजार का चश्मा बना लेते हैं, वो मालक का फ्री में ऊपर से पानी आता वो आंखों में नहीं डाल। उस पानी को इकट्ठा करके डालिएगा पानी के टब में बैठिएगा, जब भी अब बरसातें आ रही है, जब भी आ जाए बरसात इसका आनंद लीजिएगा बरसात का, और देखेंगे आपके लिए तो आपके सामने प्रमाण मिल गया। और इनकी ज्यादा काफी वो थी, काफी टाइम से ये कह रहे मेरी आंखें ठीक नहीं हो रही, आंखें ठीक नहीं हो रही, और ठीक हो गई लेजरिंग हो रही है तो कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत डाल लो, फायदा ही होगा, नुकसान तो फिर भी नहीं करता। परमात्मा की चीज तो नुकसान करने का मतलब ही नहीं है, वो तो करवानी नहीं चाहिए थी लेकिन अब करवा ली तो कोई बात नहीं।
हम लोग लेजरिंग में ज्यादा विश्वास करते हैं ना, सोचते हैं इससे ज्यादा हमारा फायदा होगा।